शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। जाने और अनजाने में हम कभी भी लोगों को यह बातें बता देते हैं। इन बातों को बता देने से हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती है और जीवन में इतनी तकलीफें शुरू हो जाती है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो कभी भी जाने और अनजाने में हमें यह बातें कभी किसी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ये बातें बताते हैं, इससे आपके कुंडली के बहुत सारे ग्रह खराब होते हैं। खासकर राहु और शनि ऐसे ग्रह हैं जो तुरंत इन परिणामों को आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत भावुक होता है, बहुत सरल होता है, बहुत सहज होता है, अपने मन की हर एक बात किसी के साथ भी साझा कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि हम इन बातों को बताने से उन्हें हल्का महसूस होता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है। यह बातें बिल्कुल सही हैं, वैज्ञानिक तौर पर भी सही हैं, लेकिन आज के इस युग में यह बातें बताना हमारे लिए एक शत्रुता को जन्म देना है। क्योंकि हमें कई बार इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे जातकों के साथ देखी गई है कि उनके जो शत्रु होते हैं वो उनके आसपास के लोग होते हैं और उनकी इन परिस्थितियों का कई बार मैंने देखा है कि वो बुरे उपयोग करते हैं और उन्हें उनका उपयोग करते हैं इन हालातों का, इन बातों का। तो मेरा निवेदन है कि कभी भी जाने और अनजाने में भूल कर यह बातें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो कौन सी बातें, विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम समझेंगे। और हाँ दोस्तों, इन बातों को अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत लाभ भी होगा और एक परेशानी जो आपके दस्तक दे रही है उस परेशानी से आप बच सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और चाहते अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है जो हमें कभी भी नहीं बतानी चाहिए कि मन की बात जो होती है, मन में जो बातें चल रही वो किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। वह केवल और केवल जो विश्वास पात्र हमारा व्यक्ति हो उसे ही बताया जाए, अन्यथा बहुत सारे जातकों को मैंने देखा है कि वो अपने मन में जो भी हो वो बस तुरंत किसी को भी बता देते हैं। ऐसा करने से आपकी परेशानियां बढ़ती है, ऐसा करने से राहु की महादशा अगर किसी जातक को चल रही है तो राहु आपको वाचाल बना देता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला बना देता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाला बना देता है, बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिविटी क्रिएट करवा देता है और इस वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती। इसलिए मन की जो भी बात हो, अच्छी बुरी जो भी बात हो, वो विश्वास पात्र व्यक्ति को कहे, हर एक व्यक्ति के साथ साझा नहीं करें। इस बात को आपकी राशि के जातकों को विस्तार पूर्वक समझना चाहिए, यह आपके लिए बहुत बड़ा बात है। दूसरा है कि धन, धन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। कई बार आपकी राशि के जातकों के साथ इस तरह की सिचुएशन हुई है कि उनने किसी को उनके आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगा कि इनके पास धन है, तो लोग बहाना करते हैं, झूठे बहाने बनाते हैं और आपसे उधार पैसे ले जाते हैं और ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर देते हैं कि आपको पैसे देना ही पड़ते हैं। इसलिए हमेशा धन को ढक कर रखें, धन हमेशा सुरक्षित सेव रखें, अपने परिवार के बुरे वक्त के लिए सेविंग करके रखें, आने वाली चीज़ों की योजनाओं के लिए सेविंग्स रखें और धन बचाएं, धन सेविंग करें। सेविंग ही आपके पास एकमात्र विकल्प है कि आने वाले बुरे वक्त में आपके लिए एक मदद का रास्ता खुला रहे। तो लोग आपकी अच्छाई का मिसयूज़ कर जो आपके पास धन होता है उस धन को एन केन प्रकार से आपको परेशान करके या आपको एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे। क्योंकि धन एकमात्र ऐसी लिक्विड ऐसी चीज़ है धन का कि जो हर एक व्यक्ति के बीच रिश्ते खराब कर सकता है, व्यवहार खराब कर सकता है और व्यक्ति की नीयत बदलते देर नहीं लगती। धन अपने आप में एक ऐसी प्रयोगशाला है दोस्तों। इसलिए मेरा निवेदन है कि कभी भी धन नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास कितना धन है, क्या है, कैसे है, तमाम चीज़ें वो सीक्रेट रखें अपने पास। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप इनकम टैक्स ना पे करें, भारत सरकार का जो भी रूल और रेगुलेशन है उससे इनकम टैक्स ज़रूर पे करें आप। तीसरी और मूल बात है कि हमें कभी भी हमारे पति पत्नी के बीच, माता पिता के बीच जो घर की बातें हैं, भाई भाइयों के बीच की बातें, वो बातें लोगों को नहीं कहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जातकों के लाइफ में इस तरह की सिचुएशन से शुक्र खराब होता है कि घर की बात घर में रखना चाहिए। अगर भाई से विवाद है वो आपके बीच विवाद है, लेकिन उससे कोई बाहरी व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता है। अगर आपका और पत्नी के बीच कोई तनाव चल रहा है तो वो आप दोनों के बीच की बात है। इसमें पति और पत्नी दोनों को एक अंडरलाइन रखना है कि हमें कुछ भी हो जाए हमारी जो बातें वो किसी से शेयर नहीं करना है। हाँ, जब दोनों के बीच ज़्यादा चीज़ें हो जाती तो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें ये बातें बताकर हम सॉर्ट आउट करा सकते हैं, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति को बताकर आप केवल और केवल अपने उस रिश्ते को ख़राब करेंगे। चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, माता पिता के बीच हो, भाई भाइयों के बीच हो या किसी मित्र के बीच हो, जो भी आपकी प्राइवेट बातें, सीक्रेट बातें, उन्हें
हमेशा अपने तक सीमित रखें। वो पब्लिक डोमेन में जाने के बाद उसको अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि उस वो हालात क्या थे जब वो आपने कदम उठाया, वो सिचुएशन है वो आपको पता है, आप किसी को समझा नहीं सकते और उस वजह से आपके बारे में एक अलग इमेज क्रिएट होती है और बहुत सारे जातकों को परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। चौथा है, कभी भी आप अपना गुरु मंत्र किसी को नहीं बताएं। गुरु मंत्र आप तक सीमित रखें, गुरु भाई को भी नहीं गुरु मंत्र बताना चाहिए, उस गुरु मंत्र का हमेशा मन में जाप करना चाहिए। अगर आप ये चार बातें किसी को नहीं बताते तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं, आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आ सकता है और आपके जीवन में वो चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगी, अच्छी चीज़ें होगी। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप ज़रूर कमेंट्स बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।